उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में 7 और 8 जुलाई को हुई भारी बारिश के कारण चार धाम यात्रा अस्थायी रूप से रोक दी गई है। इस मामले में गढ़वाल के आयुक्त विनय शंकर पांडे ने कहा कि तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यात्रा को स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। आयुक्त विनय शंकर पांडे ने कहा कि मौसम विभाग ने गढ़वाल मंडल में 7 और 8 जुलाई को भारी बारिश होने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। इसके मद्देनजर सभी श्रद्धालुओं से आग्रह किया जाता है कि वे 7 जुलाई को ऋषिकेश से आगे चार धाम यात्रा के लिए रवाना न हो। चमोली, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल और ऊधम सिंह नगर में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट है, जबकि हरिद्वार, देहरादून, टिहरी और उत्तरकाशी में भारी बारिश की संभावना है। उन्होंने उन श्रद्धालुओं को रुकने के लिए कहा है जो चार धाम यात्रा के लिए निकल चुके हैं। बता दें कि पिछले कुछ दिन से उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन हो गया है और बद्रीनाथ जाने वाला राजमार्ग कई स्थानों पर पहाड़ी से नीचे गिर रहे मलबे के कारण अवरुद्ध हो गया है। मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि चमोली जिले में शनिवार को भूस्खलन के बाद पहाड़ी से गिर रही चट्टानों की चपेट में आने से हैदराबाद के दो श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। दोनों मोटरसाइकिल से बद्रीनाथ से लौट रहे थे। उत्तराखंड में नदियां भी उफान पर हैं। जोशीमठ के पास विष्णुप्रयाग में अलकनंदा नदी खतरे के निशान के करीब बह रही है। अलकनंदा विष्णुप्रयाग में धौली गंगा में मिल जाती है। बारिश के कारण बाल गंगा और भिलंगना नदियों पर अधिक सिल्ट आने से गुनसोला हाइड्रो पावर और स्वास्तिक पावर प्रोजेक्ट का उत्पादन भी बाधित हो रहा है, जबकि पिथौरागढ़ के दारमा में पुल बह गया है। इस तरह में चार धाम की यात्रा सभी श्रद्धालुओं के लिए जानलेवा बन सकती है। खबरों से बने रहने के लिए देखते रहें द खबरदार न्यूज़। तब तक के लिए धन्यवाद।